हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आईपीएल का 46वां मैच जो कि मुंबई और दिल्ली के दरमियान ये खेला गया, बहुत ही अमेजिंग ये मैच रहा। इस मैच के सेकंड इनिंग की कंप्लीट अपडेट इस वीडियो में शेयर करूंगा, होप कि आप एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से वीडियो की जाने। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आईपीएल का 46वां मैच जो कि शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया दिल्ली और मुंबई के दरमियान, बहुत ही अमेजिंग ये मैच रहा। टॉस जो था वो दिल्ली ने जीता। टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया तो मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 129 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर, और इस तरह दिल्ली को 130 रन का टारगेट मिला। तो चलते हैं दिल्ली की बैटिंग की जानब। पृथ्वी शाह ने 6 रन बनाए 7 गेंदों का सामना करते हुए, एक चौका लगाया। करनाल पांडे ने इनको LBW किया। शेखर धवन ने 8 रन बनाए, नाकाम हुए आज 7 गेंदों का सामना करते हुए, एक छक्का लगाया। पुलार्ड ने इनको रन आउट कर दिया। स्टीवन स्मिथ ने 9 रन बनाए 8 गेंदों का सामना करते हुए, एक छक्का लगाया। नेथन ने इनको बोल्ड कर दिया। उसके बाद कैप्टन आए ऋषभ पंत, जिन्होंने 26 रन बनाए 22 गेंदों का सामना करते हुए, 3 चौके और 1 छक्का लगाया। यादव ने इनको आउट किया। पांड्या ने इनका कैच लिया। सुरेश शेरास लेयर आए जो कि नॉट आउट रहे, 33 रन बनाए 33 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए। उसके बाद एक्स पटेल आए जिन्होंने 9 रन बनाए 9 ही गेंदों का सामना किया, एक चौका लगाया। ट्रेंट बोल्ट ने इनको LBW किया। शेमरॉन ने 15 रन बनाए 8 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए। बुमराह ने इनको आउट किया और रोहित शर्मा ने इनका कैच लिया। उसके बाद इशवन जो कि नॉट आउट रहे 20 रन बनाए 21 गेंदों का सामना किया, एक छक्का लगाया। इस तरह 6 विकेटों के नुकसान पर 19.1 ओवर में 132 रन बनाकर ये मैच जो है जीत लिया दिल्ली ने। इस तरह दिल्ली ने ये मैच 4 विकेटों से जीत लिया। अभी 5 बॉलें बाकी थी। एक्स्ट्रा इस इनिंग में 6 थे, व्हाइट 4 लेग बाई के 2। फॉलो विकेट देख लेते हैं जी। 14 रन पर पहली विकेट गिरी, 15 रन पर दूसरी विकेट गिरी, 30 रन पर तीसरी विकेट गिरी, 57 रन पर चौथी विकेट गिरी, 77 रन पर पांचवी विकेट गिरी, 93 रन पर छठी विकेट गिरी। यानी कि इनकी बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही। बहरहाल ये टारगेट कम होने की वजह से ये मैच जीत गए, बहुत मुश्किल से जीते। अगर थोड़ा सा टारगेट बड़ा होता, 150 होता, तो ये मैच फंस सकता था। तो चलते हैं जल्दी से हम मुंबई की बॉलिंग को देख लेते हैं कि उनकी बॉलिंग आज कैसी रही। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर करवाए, 24 रन दिए, 1 विकेट ली। यादव ने 4 ओवर करवाए, 31 रन दिए, 1 विकेट ली। करनैल पांड्या ने 2 ओवर करवाए, 18 रन दिए, 1 विकेट ली। और उसके बाद जो है जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर करवाए, 29 रन दिए, 1 विकेट ली। नेथन ने 4 ओवर करवाए, 19 रन दिए, 1 विकेट ली। पुलार्ड ने 1 ओवर करवाया, 9 रन दिए, कोई विकेट ना ले सके। तो इस तरह ये आज का जो मैच 46 मैच था दिल्ली के नाम रहा, और मुंबई को यहाँ पर 4 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। होप कि आपने आज की अपडेट पसंद की होगी। वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।